या पार्टनरशिप चेंजेस, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप में चेंज कब आता है? जब कोई नया पार्टनर आ जाए, पार्टनर पुराना पार्टनर रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक, इंसैनिटी, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना अरेंजमेंट चेंज कर ले कुछ। आप पढ़ लेते हैं इसमें करना क्या हमने। पार्टनरशिप चेंजेस में अकर इन थ्री क्वाइट डिफरेंट सिचुएशन। व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर्स अ पार्टनरशिप, ठीक है, चेंजेस आएंगे। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, तब करना क्या है। फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट देयर आर टू एस्पेक्ट्स डिवाइडिंग प्रॉफिट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स व्हेन चेंज अकर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। क्या कहते हैं, डिवाइडिंग प्रॉफिट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू पार्टनर व्हेन चेंज अकर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज आ रहा है, जैसे कोई न्यू पार्टनर आ गया 6 मंथ के बाद, ईयर एंड से 6 मंथ पहले, तो प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, इस पे बात करेंगे। और द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूइंग पार्टनरशिप एसेट्स स्पेशली गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज। जैसे कि वर्ड्स सपोज कर लेंगे, फोर पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, जा रहा है, तो वो अपना शेयर लेके जाएगा बिजनेस में से, ठीक है, क्या क्या मिलेगा उसको, कैपिटल निकालेगा अपनी वो, और प्रॉफिट में से शेयर ले लेगा, उस वक्त तक जो प्रॉफिट होगा वो उसमें से, एसेट्स एसेट्स होंगे उसमें से भी शेयर लेगा, ठीक है। अच्छा, एसेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, कॉस्ट पे लेंगे उसको, करंट वैल्यू में मार्केट वैल्यू निकालेंगे ना, यानी कि हम अपने एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे, मार्केट वैल्यू मालूम करेंगे, उस हिसाब से फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे एक पार्ट करें, बिल्ड बिजनेस करने के लिए हमने ऑफिस खरीदा था 10 लाख का, आज वो हो गया 50 लाख का, तो उसको हम क्या करेंगे, अब 40 लाख का जो प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे, सही, उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आज इसी तरह वर्ड कर, अब एक गुड बिजनेस है आपका और कई साल आपने बिजनेस किया और अब आपकी एक गुडविल बन गई, मार्केट में नाम बन गया। अच्छा गुडविल क्या होती है, आपकी नेम, आपकी फेम, शोहरत, नाम ना। अच्छा, गुडविल की वैल्यू होती है, नहीं होती, गुडविल की वैल्यू जब जीरो होती है, वैल्यू होगी नहीं होगी, ओके वैल्यू होती है, ठीक है, आपकी एक इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट है, वैल्यू होती है। जैसे सपोज करें दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस की गुडविल है, एक के बिजनेस गुडविल नहीं है, दोनों सेल हो रहे हैं, सेम प्राइस पे सेल होंगे, क्या डिफरेंस होगा, उसके ज्यादा पैसे होंगे जिसके गुडविल नहीं है, उसके पैसे कम होंगे, तो एक्स्ट्रा पैसे किस बात के मिलेंगे, गुडविल के, तो गुडविल की भी वैल्यू होती है, ठीक। तब एक पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो वो गुडविल में भी अपना शेयर लेके जाएगा ना, तब भी गुडविल इस पे शेयर लेके गुडविल कैलकुलेट करेंगे कितनी है, उसमें शेयर दे देंगे उसमें, कैलकुलेट यार इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्म कैलकुलेशन नहीं हो, सर रॉयल्टी के तौर पे वो अलग चीज है, रॉयल्टी गुडविल पे कौन सी रेश कोई रेश, वो रेशो में डिवाइड होती है, वो कुछ और भाई कह रहे हैं, कैलकुलेट कैसे होगी, हाँ इधर इसके गुडविल कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका। बस क्या देखें, आप अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, आपने कहा 10 करोड़, दूसरे ने कहा 8 करोड़, तो आपने पहले क्या होगा, अपने नेट एसेट्स निकालेंगे ना, टोटल एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, माइनस करेंगे, नेट एसेट्स आ गया, वो तो आपके बिजनेस की वैल्यू होगी। अब उससे ऊपर जो पैसे मिलेंगे वो आपकी गुडविल, जो सामने वाले सीधे बस उससे ऊपर जो पैसे आपको मिल रहे होंगे तो वो गुडविल होती है। इसका कोई वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं आप। अब जैसे अगर बिजनेस नहीं बेच रहा है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो आप गुडविल कैसे कैलकुलेट है, तो एक एस्टिमेट ले लेंगे, ठीक है, कोई भी एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं, तो कोई कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, तो क्वेश्चन करते हैं से रिलेटेड, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। जे एल एंड एफ हैव बीन पार्टनर्स इन अ बिजनेस फॉर 10 इयर्स। अच्छा, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:2। अच्छा, एज एल विशेज टू स्टेप बैक फ्रॉम द ऑपरेशनल साइड ऑफ द बिजनेस,
इन ऑर्डर टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली। ठीक है अच्छा, द इट हैज बीन एग्रीड दैट प्रॉफिट शेयर रेशियो विल बी चेंज टू 3:2:1। अच्छा क्योंकि देखिए टाइम चीज कम दे रहा है तो उसका रेशियो भी चेंज हो गया, कम हो गया। अच्छा क्या द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बिजनेस इज 54,000। करना क्या है, व्हाट जर्नल्स आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर दिस। अच्छा इसमें सिर्फ हमें गुडविल रिकॉर्ड करनी है, इफ गुडविल अकाउंट इज मेंटेन, इफ गुडविल अकाउंट नॉट मेंटेन। स्टेप बैक हो रहा है, आगे लिखा है टाइम कम दे रहा, रिटायर नहीं हो रहा, टाइम काम टाइम कम दे रहा, इन्वेस्टमेंट थोड़ी निकाल लिया, ऑपरेशनल साइड से हट गया, अब मैं काम नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट तो है ना उसकी, काम नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट है उसकी, तो शेयर तो मिलेगा ना उसको, बस क्या होगा शेयर कम हो जाएगा, जो काम करेंगे उनका शेयर ज्यादा होगा। ओके अब हमें इससे फिलहाल से गुडविल दिए, गुडविल को हमें रिकॉर्ड करना है। सही जो दो सिचुएशन है, पहले हम देखते हैं गुडविल अकाउंट इज मेंटेन, गुडविल की नेचर की एसेट है तो ये डेबिट हो जाएगा, गुडविल डेबिट अमाउंट कितना है 54,000, और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उनके कैपिटल अकाउंट्स में इसको क्रेडिट करें। अब ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, करंट अकाउंट में नहीं। सब रेशियो पार्टनर कौन है, जे एल एंड एफ, तो यहाँ लिखते हैं पहले जे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, एल कैपिटल, एफ कैपिटल। जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके रेशियो में, रेशियो क्या है 3:4:2। ठीक है, 54,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8 ना 9 है, 3:4:9 हो गया 9। सेकंड 54,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 9, दोनों प्रॉफिट रेशियो ही है ना, हाँ ये बाद में चेंज हो गया ना, ये वाला लेंगे ना, फिर देखिए आज आज तक जो भी होगा वो इस रेशियो में होगा, आज के बाद जो होगा वो नए रेशियो में, इस तरह है ना, तो ये नया रेशियो तो आज अगर चेंज आ रहा है, ये सब बातें आज हो रही हैं, तो नया रेशियो कब से अप्लाई होगा, कल से होगा ना। ठीक है आज तक की जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन पुराने रेशियो, अलग कितना है 24,000 18 24 24 12। यहाँ इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे 18,000 24,000 और 12,000। ठीक है ये इसकी एंट्री हो, गुडविल हमने रिकॉर्ड करके डिस्ट्रीब्यूट कर। सेकंड सिचुएशन क्या है, फॉर गुडविल अकाउंट नॉट मेंटेन। अच्छा इसमें क्या होता है नॉट मेंटेन है, पहले हम पहली एंट्री तो सेम बनेगी, पहले गुडविल को हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद गुडविल अकाउंट क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक तो पहले हम ये गुडविल सेम एंट्री, पहले तो रिकॉर्ड होगी ना, तो राइट ऑफ कर तो बाद में करेंगे, पहले रिकॉर्ड होगी। अच्छा अब गुडविल हम राइट ऑफ करेंगे, उसने क्या कि गुडविल नॉट को मेंटेन नहीं रखना, तो अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी, जे कैपिटल क्रेडिट, एल कैपिटल डेबिट और एफ कैपिटल डेबिट होगा। ठीक और गुडविल अकाउंट, अच्छा गुडविल का तो हम क्रेडिट करेंगे 54,000 से, अच्छा नहीं कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होंगे वो इन अमाउंट से नहीं होंगे, 18,24 और 12,000 नहीं आएंगे। हाँ देखें आज हमने गुडविल रिकॉर्ड की, ठीक है रिकॉर्ड कर ली बस, तब बिजनेस चलना शुरू हुआ, साल बाद जाके हमने डिसाइड किया कि गुडविल अकाउंट क्लोज करना, तो रेशियो कौन सा अप्लाई होगा नया, एक महीने बाद डिसाइड किया कि राइट ऑफ करनी गुडविल, एक हफ्ते बाद डिसाइड किया, एक दिन बाद डिसाइड किया, एक घंटे बाद डिसाइड किया, नया लगेगा। ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो तो 3:1 है ना, 3/6
2 upon 6, 1 upon 6, कितना आ रहे हैं? 27, 18, 9. हाँ, शेयर किए, डिस्ट्रीब्यूट किए, रिकॉर्ड किए, अभी ये राइट ऑफ कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं. पॉइंट याद रखने वाला ये कि अपना डिस्ट्रीब्यूट जो हम करेंगे न्यू रेशो ओल्ड रेशो में करेंगे, राइट ऑफ न्यू रेशो. क्वेश्चन नंबर 11, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1. क्वेश्चन नंबर 11, जब क्यू पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1 ऑन 1 जनवरी 6, व्हेन पी एंड क्यू कैपिटल बैलेंसेस स्टैंड एट 27,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली, आर न्यू पार्टनर आर ज्वाइंस द बिजनेस एंड द फॉलोइंग टेक प्लेस. अच्छा, पहले क्या, आर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल ऑफ 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग आर रिवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 80,000, यानी कि लैंड बिल्डिंग को हमने रिवैल्यू किया तो मार्केट वैल्यू 80,000 से इंक्रीज हो गया, गेन हुआ. गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000. प्रॉफिट, हाँ, शेयर इज डिवाइज 2:1. करना कि हमने व्हाट इज द बैलेंस ऑन पी क्यू कैपिटल अकाउंट. पहले एंट्रीज बना लेते हैं फिर टी अकाउंट बनाएंगे. नया कौन है इसके अंदर? हाँ, नया को नहीं मिलेगी. अच्छा, पहले एंट्री किया, आर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल ऑफ 10,000. कंप्लीट नहीं हुआ. पहले एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट और आर कैपिटल क्रेडिट. अमाउंट कितना है? 10,000. इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग्स आर रिवैल्यूड अपवर्ड, यानी कि इंक्रीज आ रहा है. 80,000 का तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी आपकी. लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो गया 80,000, ठीक है. और गेन हुआ है वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाए. तो दो पार्टनर्स हैं पी क्यू, तो पी यू पी कैपिटल और क्यू कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. रेशियो क्या दिया है? 4:1, तो 80,000 इंटू 4/5, और 80,000 इंटू 1/5. पहला बताएं क्या रहे हैं? मिलेगा 64, 64,000 और इसका 16,000. ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे इनके 64,000 से और 16,000, ठीक है. नेक्स्ट है गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000. ये हो जाएगा गुडविल डेबिट 40,000. अच्छा, पी कैपिटल क्रेडिट, क्यू कैपिटल. अच्छा, गुडविल भी सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी क्योंकि न्यू पार्टनर अभी आया है. ओल्ड पार्टनर ने ही गुडविल बनाई होगी, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनटू 4/5, 32,000. 1/5 तो ये 8,000. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे 32,000 से और. ठीक, एंट्रीज कंप्लीट हो गई. पी अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं पहले. जिनका कैपिटल बैलेंस है 27,000 और 12,000. एंट्रीज पोस्ट करते हैं. पहली एंट्री क्या है हमारी? कैश डेबिट, आर कैपिटल क्रेडिट है. आर कैपिटल क्रेडिट और डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कैश.
बाद पी कैपिटल क्रेडिट 64, क्यू कैपिटल क्रेडिट 16, और यहाँ लिख लेते हैं रिवैल्यूएशन, और गेन हुआ था इसको लिख देंगे। बस गुडविल है तो पी कैपिटल क्रेडिट 32 और क्यू कैपिटल क्रेडिट 8000, आ जाएगा गुड। अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 1,33,000, और 36 टोटल आ गए इनके। सब्सिडी और ये एक इनके सीडी बैलेंस आ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ सर राइट ऑफ अगर तो बताएंगे क्या राइट ऑफ देखना। क्वेश्चन नंबर 12, एम एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस 1 जनवरी आर 50,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, कैपिटल बैलेंस। ऑन दिस डेट अ न्यू पार्टनर बी ज्वाइंस द बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग आर रिवैल्यूड बाय 1 लाख एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 20,000। आफ्टर द एडमिशन ऑफ बी The profit share is revised to 2:2:1 and goodwill is to be eliminated from the books. Now, what is the balance of M, C and B capital account after the transaction has been accounted? पहले transactions record करते हैं। पहली transaction क्या? B joins the business introducing capital of 30,000। investment record करते हैं इसकी। तो जाएगा cash debit और बी कैपिटल क्रेडिट 30,000। के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग आर रिवैल्यूड बाय 1 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट करेंगे। डेबिट 1 लाख, एम कैपिटल क्रेडिट सी कैपिटल क्रेडिट होता है सी कैपिटल। इनके रेशियो क्या था? लॉसेस इक्वल ही है, इक्वल पार्टनर है तो 50,000 बिल्डिंग है, ये हमने बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख की, आज हमने इसकी मार्केट वैल्यू मालूम की तो वो हो गई 25 लाख। रीवैल्यू मतलब ये होता है रीवैल्यू करना, करंट वैल्यू निकालना, इसको डायरेक्ट एक ही वैल्यू थी तो डायरेक्ट इंक्रीज बता दी ना उसमें। इंक्रीज कितने का आ रहा है? 1 लाख से बढ़ गई, लिख तो दिया। हाँ अगर डिक्रीज हो तो माइनस में, नहीं इस वक्त यहाँ एक वर्ड आ जाता है अपवर्ड आना चाहिए, वर्ड इंक्रीज अपवर्ड आ जाते, पिछले में था ऊपर वाले में था रीवैल्यूड अपवर्ड्स, यहाँ लिखते हैं आगे रीवैल्यूड अपवर्ड लिखते हैं ऑनवर्ड या डिक्रीज। जिसका गुडविल हो गई, गुडविल कितनी है? 20,000। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल डेबिट एम कैपिटल क्रेडिट सी कैपिटल क्रेडिट। गुडविल है 20,000 की, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000 ईच। बाद तो कह रहे हैं आफ्टर द एडमिशन ऑफ बी प्रॉफिट शेयर इज रिवाइज टू 2:2:1 एंड गुडविल इज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बुक्स। जब गुडविल का एलिमिनेट करना है तो ये कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, राइट ऑफ जो होगी वो तीनों पार्टनर्स में होगी। हाँ, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, राइट ऑफ करेंगे ऑल पार्टनर्स में, न्यू रेशियो में
न्यू रेशियो का क्या है, 2:2:1 लिखेंगे आप 20,000 इंटू 2/5, 8,000, 2/5, 8,000, 1/5, 4,000। इनके कैपिटल अकाउंट बैलेंस डेबिट हो जाएंगे 8,000, 8,000 और 4,000। ठीक, ये एंट्रीज हो गई कंप्लीट। अब इनको लेजर्स में पोस्ट करते हैं, ये अकाउंट बना लेते हैं। इनके कैपिटल बैलेंस कितने थे, एमसी के 50,000, 50,000। तो बैलेंस लिखते हैं पहले, बैलेंस पीडी एंट्रीज पोस्ट करते हैं। पहले एंट्री है हमारी कैश डेबिट, डी कैपिटल क्रेडिट। डी कैपिटल क्रेडिट होगा 30, लगते हैं कैश। सेकेंड एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं 50,000 ईच। तो यहाँ मैंने ये कॉलम कम हो गया था, एक कॉलम ऐड करते हैं, तो लिखते हैं बी 30,000। अच्छा, सेकेंड एंट्री हो गई डी वैल्यूएशन, कि थर्ड एंट्री है गुडविल डेबिट, कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो एम कैपिटल क्रेडिट, सी कैपिटल क्रेडिट हो गया। गुडविल हमने राइट ऑफ किए, तो राइट ऑफ में ये अकाउंट सबके डेबिट हो रहे हैं 8,000, 8,000 और 4,000। यहाँ लिखते हैं गुडविल राइट ऑफ, इसको शॉर्ट कर दो राइट। ठीक है, काउंट्स कंप्लीट, टोटल करते हैं इनका, डायरेक्ट फॉर्म एक 1,10,000। ये फॉर्मूला यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, 1,10,000 आ रही है, 20,000। ठीक, ओके जी, बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कैरी डाउन इनका 1,02,000, 1,02,000 और 26,000 आ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस। पीडी बीडी नीचे आ जाएगा, कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। द पी एंड क्यू आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ऑन जनवरी 1, 5 आर जॉइंस द पार्टनरशिप एंड इट वाज एग्रीड दैट फ्रॉम दैट डेट ऑल थ्री पार्टनर्स शुड शेयर प्रॉफिट इक्वली। अच्छा, एपी की दो पार्टनर थे और ये आर ने कब ज्वाइन किया, 1 जनवरी को। अच्छा, पहले भी रेशियो क्या था, इक्वल, और बाद में भी इक्वल है। इन द ईयर एंडेड जून 30, 2005 द प्रॉफिट अमाउंटेड टू 3 लाख, एक्रूइंग इवनली ओवर द ईयर आफ्टर चार्जिंग अ बैड डेट्स ऑफ 30,000। अच्छा, 30,000 चार्ज करने के बाद प्रॉफिट है 3 लाख, यानी कि 30,000 लेस करने के बाद। विच इट वॉज एग्रीड शुड बी बॉर्न इक्वली बाय पी एंड क्यू इक्वली। व्हाट शुड बी द पार्टनर्स टोटल प्रॉफिट शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड जून 2005। ओके, 3 लाख का प्रॉफिट है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो देखिए, ईयर इनका वो रहे, इनका 30 जून को आपने कब ज्वाइन किया। अच्छा, 30 जून को ईयर एंड हुआ था, जुलाई 1 को स्टार्ट हुआ होगा, आर आ रहा है जनवरी के 6 मंथ्स। तो फर्स्ट 6 मंथ का प्रॉफिट पी क्यू में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट होगा और लास्ट 6 मंथ का प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यानी कि 6 मंथ का वाला हाफ ही हो गया ना, हाफ प्रॉफिट। एबीसीडी ऑप्शन है ये, ये ऑप्शन दिया मैं क्या आंसर के। ठीक, ये मैंने इसका एमसीक्यू बना दिया। तब देखिए, इस पे पहले हम काम करते हैं, टर्नअराउंड ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्ट कब हो रहा है, जुलाई में, जनवरी में न्यू पार्टनर आ रहे हैं, जून में इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 30,000 का प्रॉफिट। अच्छा,
अच्छा, ये 30,000 का जो प्रॉफिट है ये है आफ्टर चार्जिंग बैड डेट्स ऑफ 30,000। लेकिन आगे क्या लिखे, विच इज बॉस एग्रीड शुड बी बॉर्न इक्वली बाय पी एंड क्यू ओनली। अब ये बैड डेट्स कौन बेयर करेगा, पी एंड क्यू, ये और जो ओनर ये न्यू पार्टनर है ना। अच्छा, और जो प्रॉफिट है 3 लाख का, ये बैड डेट्स चार्ज करने के बाद का है। तो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख का, जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो बैड डेट एक्सपेंस माइनस होते हैं ना, तो बैड डेट माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना आया, 3 लाख का। 3 लाख का माइनस करने के बाद आफ्टर चार्जिंग बैड डेट ऑफ 3 लाख, ठीक है। लेकिन कह रहे कि ये जो बैड डेट्स हैं वो कौन बेयर करेगा, सिर्फ पी क्यू बेयर करेंगे बस, ठीक है। तो देखिए, अगर हम ये करें, इस 3 लाख को हाफ कर लें, 1,50,000 इधर 6 महीने आ गए ना, और 1,50,000 इधर, और फिर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे क्या होगा, बैड डेट्स जो है वो आरपी भी चार्ज हो जाएंगे ना, क्योंकि ये प्रॉफिट बैड डेट लेस करने के बाद का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले 3 लाख में ये आपका प्रॉफिट है, इसमें करना क्या होगा, एक एडजस्टमेंट होगी कि पहले 3 लाख में प्रॉफिट है, बैड डेट्स कितने, बैड डेट्स को हम यहाँ पे पहले ऐड करेंगे, प्रॉफिट बिफोर बैड डेट कितना आ गया, 3,30,000 का, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर बैड डेट्स कितना हो जाएगा, 3,30,000। अब हम क्या करेंगे, 3,30,000 को 6 6 मंथ में डिवाइड करते हैं, यहाँ लिखेंगे 3,30,000 इंटू सिक्स अपॉन 12, ये फर्स्ट 6 मंथ का प्रॉफिट आ गया 1,65,000। इसमें से अब बैड डेट्स माइनस होंगे ना, ये फर्स्ट 6 मंथ का प्रॉफिट पी क्यू में डिवाइड होगा, तब यहाँ से हम बैड डेट माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1,35,000। 1,35,000 पी क्यू में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, पहले ये लिख लेते हैं, चलो एक साइड कंप्लीट कर लेते हैं, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना बन रहा है, 6,500। क्यू का शेयर इनटू 1/2 67,500। ये तो फर्स्ट 6 मंथ का प्रॉफिट पी क्यू में डिवाइड हो गया। अच्छा, अब लास्ट 6 मंथ का प्रॉफिट कितना होगा, देख ये भी ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे हम लिखेंगे 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल है ना, हाफ हाफ हल्के में ऐसा ना लिख, 6/12 1 लाख, ये लास्ट 6 मंथ का प्रॉफिट आ गया 1,65,000, 1,65,000 उधर, 1,65,000 इधर, 6 महीने इधर, 6 महीने उधर। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में, 1/3, 55,000, 1/3, 55, तीन हो गए ना पार्टनर। और फर्स्ट 6 मंथ में 2 पार्टनर थे, लास्ट 6 मंथ में 3 पार्टनर हो गए, ठीक है। ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर, उनका टोटल कर लेते हैं, लेकिन पी का शेयर कितना बनेगा, 67,500 प्लस 55,000 टोटल बताएं, 122,500। क्यू का शेयर दोनों को ऐड करेंगे, पी भी कितना 122,500, और आर का शेयर, आर का तो कितना, 55,000 मिलेंगे, ठीक। ये इस तरह से प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लिखा हुआ था ना, देखें क्या था, इट वाज एग्रीड शुड बी बॉर्न इक्वली बाय पी एंड क्यू ओनली। तो बैड डेट से पी क्यू बेयर करेंगे, आर नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ से बैड डेट पूरा माइनस कर दिया, यहाँ से माइनस नहीं है, वरना आधे यहाँ माइनस होते 15,000, 15,000 यहाँ करते, पहले से ही कर ठीक। अरे पास
जुड़े।